हेलो दोस्तों, आज हम बैन के ओमनीवर्स के सबसे डेंजरस विलन खाइबर के बारे में जानेंगे, जो बैन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था तब से जब से वो 11 साल का था। खाइबर जो गैलेक्सी का सबसे खतरनाक और ग्रेटेस्ट शिकारी, जो शिकारियों का भी शिकार करता है और जो ओमनीवर्स में अलग ही स्टैंडर्ड डिजर्व करता है, क्योंकि विलगेक्स की तरह ही इसे हरा पाना या इसका शिकार करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ये शिकारियों का भी शिकारी है। ओमनीवर्स में ये बैन का सबसे बड़ा विलन बन गया था, जिसने बैन का शिकार करने के लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया था और काफ़ी सारे एपिसोड में बैन को टक्कर देता रहा। लेकिन ये कहाँ से है और ये गैलेक्सी का सबसे ग्रेटेस्ट शिकारी कैसे बना, क्यों ये बैन के पीछे पड़ा था, वो सब नहीं जानते, तो आज वही सब एक्सप्लेन करूँगा और जानेंगे खाइबर की पूरी ओरिजिन और हिस्टोरी। तो इट्स टाइम टू बिंग अमेज। सबसे पहले जो खाइबर है उसकी स्पीसीज को कहा जाता है जेरोफियन, और ये रहते थे सेंग्रोसिया नाम के प्लेनेट पर। ये प्लेनेट अर्थ से डबल साइज का और डेंजरस था, और यहाँ के जो मूल निवासी थे वो बहुत ही ज़्यादा कुख्यात कारीगर थे, क्योंकि यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था और पॉइजनस गैस वाली गुफाओं में काम करवाया जाता था, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी माइनिंग होती थी और जिसके चलते यहाँ का जो वातावरण था वो भी बहुत ही बुरी हालत में पहुँच गया था। यहाँ आए दिन जहरीले गैस वाले तूफान आया करते थे, लेकिन फिर भी यहाँ के मूल निवासियों को मजदूर बनाकर माइनिंग करवाई जाती थी। वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे और इतने ख़राब हालत में रहने की वजह से यहाँ के लोगों में बाकी के प्लेनेट के लोगों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल थे और किसी भी सिचुएशन को सर्वाइव कर सकते थे। मतलब कि यहाँ के लोग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन गए थे, और आगे चल के इनमें से बहुत ही ज़्यादा कम जेरोफियन इस प्लेनेट से भाग निकलने में कामयाब हुए। और चूंकि वो बाकी स्पीसीज से ज़्यादा पावरफुल थे, वो कहीं भी जाकर रहने लगे। इन्हीं में से एक था खाइबर, जिसने अपने इस काबिलियत की वजह से एक शिकारी बनना पसंद किया और अलग अलग प्लेनेट पर जाकर ट्रॉफीज और पूरे गैलेक्सी में एक खतरनाक शिकारी का नाम कमाया। इसके पास एक स्पेसशिप भी थी जिसका कोई नाम नहीं है, इसलिए लोग इसे खाइबर की शिप से ही जानते हैं। तो इसका नाम सुनकर अर्थ से साइकोबोस और मैलवेयर इसे अपॉइंट करते हैं, हायर करते हैं, क्योंकि उन्हें नेमेटिक्स के लिए शिकारी डीएनए चाहिए थे जो खाइबर ही कलेक्ट कर सकता था। और यहाँ खाइबर उनसे हाथ मिलाता है और नेमेटिक्स के लिए डीएनए को कलेक्ट करता है, और इन सब चीज़ों में खाइबर को पूरे 5 साल लग जाते हैं। पूरे 5 सालों तक वो अलग अलग जाकर अलग अलग शिकारियों के डीएनए को कलेक्ट करता रहा, और फिर 5 सालों बाद और जब ओमनीवर्स का टाइम लेना आया तब हमें ये देखने को मिला। यहाँ पर उसने अपने पास एक जेड नाम के एक डॉगी को भी रखा था। नेमेटिक्स बन के तैयार थी, लेकिन वो किसी भी ऐसे जीव के साथ ही रह सकती थी जो कि उसके सभी शिकारी डीएनए को संभाल सकता था। तो यही पर खाइबर ने एक जेड नाम के डॉगी को लाया। खाइबर की तरह एक बेहतरीन हंटिंग डॉग था और वो नेमेटिक्स को हैंडल कर सकता था, शिकारी डीएनए को। अब नेमेटिक्स तैयार थी और उसे पहनने वाला भी, और ओमनीवर्स में हमने देखा कि खाइबर ने कई बार बैन को टक्कर देने में या पकड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन हर बार बैन बच जाता। और आगे चल के जब खाइबर गैल्वन प्राइम पर जाता है तब वो जेड को वहीं पे खो देता है। फिर खाइबर एल्बिडो के साथ टीम अप करता है, तब हमें इसका एक दूसरा पेट देखने को मिला था जो था पेनोसियन, जो कि खुद एक शिकारी था डिट्टो का। लेकिन आखिर में बैन यहाँ उसे भी डिफीट कर देता है, और यही पर हमें इसकी एक वीकनेस भी देखने को मिलती है खाइबर की, और वो थी फिश की डस्क के डरावने सपने। डरावने नहीं, अच्छे सपने। यही पर उसे नेमेटिक्स को भी छीन लिया जाता है, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद जो खाइबर है वो वापस से नेमेटिक्स को हासिल कर लेता है। इस बार वो उसे यूज़ करने के लिए एक पैरासाइट को ढूंढता है जो कि था स्कर्ड, और स्कर्ड की मदद से वो यहाँ पर एक प्रेडेटर के डीएनए में ट्रांसफॉर्म भी होता है। लेकिन आखिर में स्कर्ड के धोखा देने की वजह से ये एक खतरनाक शिकारी में ट्रांसफॉर्म भी होता है और आखिर में हारता भी है, और साथ ही जेल में भी जाता है। और यही पर आखिरी बार हमें खाइबर देखने को मिला। शायद बाद में कभी भी वो प्लमर जेल से नहीं निकल पाया, और इसी के साथ खाइबर की कंप्लीट हिस्टोरी ख़त्म होती। खाइबर जिसमें बेहिसाब स्टेमिना, स्ट्रेंथ, चालाकी, किसी भी सिचुएशन को झेल सकने की शक्ति, साथ ही उसकी प्लानिंग भी लाजवाब, उसमें एक बेस्ट विलन के सभी गुण थे। ही लाइक विलगेक्स, मतलब वो विलगेक्स की तरह था, पूरी तरह से नहीं, बस वो एक शिकारी था जिसे विलगेक्स को बैन को हरा कर ओमनीटिक्स लेना चाहता था, बैन का जाने दुश्मन बन गया था। उसी तरह ये भी बैन का शिकार करके अपनी फैंटेसी पूरे करना चाहता था,
सबसे बड़ा शिकार करने की, लेकिन ये कभी भी ओमनिटिक्स के पीछे नहीं था। ये तो बस एक शिकारी होने के नाते अपनी सबसे बड़ी ट्रॉफी लेना चाहता था, इसका सबसे बड़ा शिकार जो कि वो बेन को मानता था, क्योंकि बेन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और ताकतवर बींग बन चुका था। अगर ये उसे हराता है तो वो इसके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। अगर ये कभी भी वापस आता है तो मैं इसे विलगेक्स के साथ टीम अप होते हुए देखना चाहता हूँ। तो आज का एपिसोड ये पे खत्म होता है। वीडियो से लाइक लाइक को मिलते हैं। Don't forget to be amazing.